ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शमशान का पीछे पुरानी मंडी, ये क्या मंडी रोड है? भी कहीं नहीं, अरे कहीं का शमशान बोलो यार, शमशान के पीछे मुक्ति मार्ग में आएगा। ये कौन सा रोड बताएगा? मुक्ति मार्ग आएगा, मुक्ति मार्ग। जय श्री राम। आकाश जैसे बोले बाबू दादा, में कब्रिस्तान की नपती के लिए मैं आया था। मेरे साथ मेरे आ रही थे, कब्रिस्तान की नपती जब ली गई तो कुछ पॉइंट लेने थे, तो मैं इस जगह पर आया हूँ, यहाँ से पॉइंट लिए। पूछा गया कि श्री राम मंदिर की ज़मीन है, लेकिन यहाँ के जो पंच थे और कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि ये साबिर चाचा की ज़मीन है। साबिर चाचा और श्री राम मंदिर का थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं पाया था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और जानकारी निकाली। जानकारी में ये 18 बीघा जमीन शाबिर चाचा बहुत पहले से खेती कर रहे हैं, ऐसा बताया गया था। इसका वो हक किसका था पहले, किसके नाम थी मतलब ये तो जमीन? श्री राम मंदिर के नाम पे, प्रबंधक कलेक्टर के नाम पे थी, और चूंकि शाबिर चाचा कर रहे थे तो मैंने एक आवेदन प्रतिवेदन बना के तहसीलदार महोदय को दिया। तहसीलदार महोदय ने शाबिर चाचा को उस टाइम 2015 में नोटिस दिया था। शाबिर चाचा ये लोग नोटिस को डायरेक्ट कोर्ट चले गए, और कोर्ट से ही फिर डिसीजन हुआ। 2015 से लेकर 2024 में जमीन श्री राम मंदिर की है, श्री राम मंदिर के नाम पे। साबिर चाचा कहाँ के रहने वाला है? साबिर चाचा देवास की है। तो इसके हाथ में ये जमीन कैसे आई थी, जानकारी लगी इसमें? पुजारी जो उस समय के पुजारी, कौन थे पुजारी, नाम बताइए? पुजारी विजय आयचित नाम है। चूँकि प्रबंधक कलेक्टर है और पुजारी को सिर्फ पूजा के लिए ज़मीन दी जाती है, वो किसी को दे नहीं सकते, दे सकते हैं तो लेकिन कुछ समय के लिए, इतने लंबे समय के लिए वाला मैटर नहीं। तो कलेक्टर प्रबंधक है, उसके बाद भी इतने साल बाद सर, 40 साल बाद मालूम पड़ा शासन को, जिला प्रशासन को, ऐसा क्यों इतना समय क्यों लग गया सर? अब जब नपती की तभी मुझे मालूम पड़ा और ऐसे मैंने अवगत करा दिया इस चीज़ की। क्या मानते हैं जिला प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है, 40 सालों से देख नहीं पाए? ये क्षेत्र थोड़ा सा अलग आता है, शमशान के पीछे का क्षेत्र है, और जैसे किसी को मतलब जो कब्रिस्तान का सीमान कदम आता है वैसे ही मालूम पड़ा, तत्काल बताया गया। ठीक है, आपका नाम? अजय दायमा, पटवारी। ग्राम में स्थित जमीन है 18 बीघा के लगभग,
जो श्री राम मंदिर और जिसमें मूर्ति भूमि स्वामी है उनके नाम से दर्ज है, जिस पर लगभग 35-40 वर्षों से शब्बीर खां के द्वारा कब्जा किया गया था। उनके बाद में उनके पुत्र इजहार अली के द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, ये इनको नोटिस देने पर चले गए। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा मई 2023 में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें इनको विधिवत सुनवाई का अवसर देकर और अवैध आधिपत्य को हटाया जाना था। हमारे द्वारा न्यायालय तहसीलदार से विधिवत इनको सुनवाई का अवसर दिया गया, इनका पक्ष सुना गया। उसके बाद आज जो उनका आधिपत्य था इजहार अली का, उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, SDM महोदय के द्वारा निर्देशन दिया गया, हमारे शासकीय अधिवक्ता AGP श्री मनोज श्रीवास जी हैं, हमारी पूरी टीम है जिनके सहयोग से आज ही इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता कौन था? जी, ये शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता कोई नहीं था, हमारे जो पटवारी तत्समय 2015 में रहे हैं। कौन थे, क्या नाम था? अजय दायमा जी, उनके द्वारा अतिक्रमण की इसमें एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद में संपूर्ण कार्रवाई हुई। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश से भी इसके आदेश हुआ, जिसके पालन में हम लोग आज कार्रवाई। इस पर क्या कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से इतनी जमीन का, मतलब इतने वर्षों से? जी, वर्तमान में हम अभी वर्तमान में, क्योंकि ये और भी उच्च न्यायालय में भी जो तत्समय पुजारी रहे हैं उनके द्वारा लगाया गया है, परंतु वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम इसको खाली करवा कर और पटवारी को इसका कब्जा सौंप रहे हैं। मैडम, वर्तमान में भी किसका कब्जा था यहाँ पे? यहाँ पर इजहार अली पिता शब्बीर अली का कब्जा। विजय कुमार अचित की क्या भूमिका इसमें? जी, विजय कुमार अचित जो कि पूर्व में पुजारी रहे हैं, वर्तमान में हैं या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इनके द्वारा अनुबंध पत्र पर ही शब्बीर खां को लिखा गया था, और इसी को आधार बनाते हुए शब्बीर खां के पुत्र इजहार अली न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने प्रकरण दायर किया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा आदेश ही पारित किया गया कि इनको विधिवत सुनवाई का अवसर देकर और हम आधिपत्य ले सकते हैं। नियम अनुसार दे सकते थे विजय कुमार इनको? जी, अब ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय को ही निर्णय करना। मैडम, मंदिर की कितनी जमीन है? कितनी? ये लगभग 18 बीघा जमीन है, जिसकी वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से कीमत 3.5 करोड़ या उससे अधिक बनती है। मैम, इतने वर्षों से यहाँ पे खेती भी कर रहे थे, किसी तरह की वसूली होगी इनसे? जी, अब ये देखते हैं कि उसमें क्या निर्णय कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है। अभी फिलहाल में अवैध आधिपत्य को हटाने का था, तो वो हम कार्रवाई आज कर रहे हैं। ठीक।